जो आप हर व्लॉग के अंदर, हर एपिसोड के अंदर आप जो शशके देखते हैं ना किचन वाले, वो आज आपको नहीं यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आज आपको सारी चीज़ें हम यहीं टेबल पे दिखाएंगे। पूरा भर चुका है, इसके ऊपर सारी चीज़ें ऊपर ऊपर आ चुकी हैं। गाइस चिकन सॉसेज चेक करें। हेलो फूडीज, इस वजह अंसारी और फूड हेडक्वार्टर आज आपको लेके आया है क्रीक विस्टा DHA के बिल्कुल बराबर में। एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं पिट स्टॉप, इस जगह का नाम है, जो कि एक बहुत यूनिक और बहुत पीसफुल यहाँ की वाइब है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सोहो शेंग, नाम से तो लग रहा है भाई चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। लेकिन यहाँ की एक बड़ी यूनिक चीज़ है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिशेज हैं, वो सारी हॉट पॉट में सर्व होती हैं। तो भाई ऐसा क्या है और क्या चीज़ है, ये तो हम देखेंगे और खाकर बताएंगे कि भाई यहाँ पर कैसा है। मुझे किसी ने कहा था कि भाई बहुत मज़ेदार और बहुत फ्लेवरफुल जायकेदार यहाँ के खाने हैं, तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं और अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ की कितनी मज़ेदार वाइब आ रही है, एक कोल्ड और कूल किस्म की। तो चलते हैं अंदर। तो गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल आपको पिट स्टॉप दिख रहा होगा, लेकिन ये रेस्टोरेंट है सोहो शेंग, सही है। और मैं जब अंदर आया हूँ तो मतलब मुझे इतनी कोई कूल वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं, इनका जो मतलब लाइक सिटिंग अरेंजमेंट है, जो एम्बियंस है, वो बहुत मज़े का है। बिल्कुल बराबर में बास्केटबॉल कोर्ट है और पीछे फुटसल कोर्ट है, और जो बैठने बैठने का और लाइटिंग और वो जो एक लाइट म्यूज़िक चल रहा होता है ना, ओए होए उसका तो अलग ही मज़ा होता है। हल्का हल्का म्यूज़िक विद मज़े मज़े के खाने, आप खा रहे हों तो खाने का मज़ा जो होता है वो दुबाला हो जाता है भाई। आप ये एक तरह से ना इनका मिनी स्टेज है मेरे बिल्कुल पीछे ना, यहाँ पर क्या क्या होता है हर वीकेंड को। हम वीकेंड को आए नहीं है, वरना अगर वीकेंड को आते तो आप लोग इसको इंजॉय करने वाले थे, इस ब्लॉग को ना। बहुत मज़े के सीन्स होते हैं हर वीकेंड पे, हर दो हफ्ते के बाद। ये एक तरह से मिनी स्टेज है, यहाँ पर पूरे क्या होता है वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं बिल्कुल फुटसल बना हुआ है, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। और हमारे पास आ गया इनका मेन्यू, इसके अंदर जैपनीज़ लिखी है, चाइनीज़ लिखी है, मुझे नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, लेकिन साथ में इंग्लिश भी लिखी है ताकि हमें समझ आ जाए। अराउंड कुछ 60-70 इसके अंदर डिशेज़ हैं, क्या चीज़ है। और ये सब चीज़ें हॉट पॉट के अंदर सर्व होती हैं, हॉट पॉट है, नीचे अभी इसके आग लगेगी और ये इसके अंदर कुछ होगा जो जलेगा। वैसे इसके अंदर एक पूरा मिक्सचर है किसी चीज़ का, जो कि यहाँ का जो शेफ़ है वो खुद तैयार करता है। और ये क्यूब्स है, मतलब ये जो ये आप देख रहे हैं ना बड़ा सा, ये क्यूब है, कोई स्पाइसी क्यूब है। मैंने अभी इनसे बोला कि भाई चीज़ें कहाँ हैं, बाकी ये मैं खाली हॉट पॉट देख के क्या करूँ, तो कह रहे हैं अभी आपकी बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें काफ़ी सारी लाइक वेजिटेबल्स हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मुझे नहीं पता। और ये जो हमारा ये वाला हॉट पॉट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो टोमेटो हो गए और ऑलिव्स हो गए, और दूसरा आई डोंट नो क्या चीज़ है, लेकिन चॉपस्टिक्स होती हैं, हमें उससे ट्राई करना होगा। तो मुझे तो भाई चॉपस्टिक से खाना आता नहीं है, सो देखते हैं कि क्या होता है। जो आप हर व्लॉग के अंदर, हर एपिसोड के अंदर आप जो शशके देखते हैं ना किचन वाले, वो आज आपको नहीं यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आज आपको सारी चीज़ें हम यहीं टेबल पे दिखाएंगे। क्रैब मीट है हमारे पास, बीफ भी है, और वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी हैं, डम्पलिंग्स भी हैं, और इंस्टेंट नूडल्स भी हैं, और ये चिकन के लाइक लेयर्स हैं, पता नहीं क्या है वो। अभी जब तैयार होंगी ना सारी चीज़ें, वो आप देखेगा उस पर मज़ा आएगा। आप बाकी सारी चीज़ें तो आप देख चुके होंगे अभी, तो मतलब बहुत एक अलग चीज़ है, बहुत एक यूनिक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सर्दियों में और इस तरह का खाना अगर आपको मिल जाए, आय हाय हाय मज़ा आ जाए। ये मेरे ख्याल में इनका सूप है, और ये बड़ा मतलब लाइक थिक सा सूप है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कितना अलग सा एक वाइब आ गई है। अब ये हमारा दूसरा जो स्पाइसी पॉट है, हॉट पॉट है, उसके अंदर भी आ गया है, और ये जो अब जितने भी इसके अंदर मसाले जो उन्होंने वो बनाया हुआ है, ओए होए होए गाइस, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी आ रही है। क्या कहूँ मैं आपको, आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पीनट्स हैं, फिश भी है, मीट बॉल्स हैं, बीफ की लेयर्स हैं, और ये टोफू कोई फिश है, वो चीज़ भी है यहाँ पे, कोई चाइनीज़ नूडल्स भी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब तैयार कैसे होगा। आप किचन के शशके तो हमेशा देखते हो ना, आज टेबल के दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या होने वाला है।
अभी ये जो है सूप जो है वो बॉयल हो रहा है, जैसे ही बॉयल होगा तो फिर हम आपको आगे की सीन दिखाएंगे कि उसके अंदर एक एक करके जो जो चीज़ मुझे इसमें खानी है, ट्राई करनी है, वो हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा स्पाइसी सूप है, वो हमारा थोड़ा माइल्ड सूप है। गाइस आप ये देखें, ये बिल्कुल हमारा क्लियर लाइक बहुत माइल्ड सा सूप है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। कराची वालों के लिए स्पाइसी सूप भी है यहाँ पर, और ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं जो रेड रेड लाइक पूरा ऑयल सा आ रहा है, तो ये स्पाइस है। सारा जो इसका मसाला था अंदर वो चीज़ ऊपर आ चुकी है और ये बॉयल हो चुका है। आप लोगों ने बाकी सारे हमारी एपिसोड्स और वीडियोस में देखा होगा कि भाई किस तरह हम स्ट्रीट पे होते हैं और वो किचन में खाने तैयार होते हैं, आपको नहीं समझ आता भाई क्या चीज़ मिल रही है हमें, तो भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप खुद तैयार करेंगे, आपके सामने रॉ आप इसके अंदर डालेंगे, बॉयल हो रहा है। तो ये हमारे पास चिकन है, तो हम सबसे पहले चिकन लेते हैं। चिकन के लाइक लेयर्स हैं ये, तो हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। मुझे थोड़ी वेजिटेबल्स आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, तो हम वो चीज़ ट्राई करते हैं, इसमें डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये चीज़ भी आ गई। तो गाइस ये क्रैब मीट है और मुझे, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, और ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आपके सामने खुद रेडी होंगी। फिश देखते हैं, बड़ा मज़े मज़े के। गाइस मुझे यहाँ पे एक गुड वाइब्स आ रही हैं, और ये हमारी आ गई मीट बॉल्स। तो भाई ये हम इसके अंदर बीफ बॉल भी हमारी चली गई है, और ले लेते हैं। और गाइस ये हमारा आ चुका है बीफ, बीफ की लेयर्स हैं, जैसे चिकन की लेयर्स थी उसी तरह बीफ की लेयर्स हैं। हमारे लिए तो बड़ा यूनिक सीन है ये, बड़ा मतलब अलग अलग, ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह खा रहा हूँ। आप लोगों को भी बड़ा अलग लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ ट्राई कर रहा है आज। प्रॉन्स भी हमारे पास आ गए, और मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल रहा हूँ। भाई इसमें कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, पूरा ये भर चुका है। और ये आप देख सकते हैं चाइनीज़ नूडल्स हैं, ये आप देख रहे हैं ये पूरा भर चुका है, इसके ऊपर सारी चीज़ें ऊपर ऊपर आ चुकी हैं। ये पीनट्स भी आ गए हैं, चिकन, टोफो, और इसको हम मिक्स करते हैं ताकि अच्छी तरह जो एक स्पाइस वाला फ्लेवर है वो इसमें मिक्स हो जाए, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे नूडल्स हैं वो अंदर जाते रहेंगे, और ये दस जा रहे हैं अंदर पूरा। मतलब एक जो स्पाइस की मुझे खुशबू आ रही है ना, लेकिन बस मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं किसी तरह इसको टेस्ट कर लूं। ये बिल्कुल देखें लाइव हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो चुका है तकरीबन ये। नूडल्स आ चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले क्योंकि अब इसके अंदर मीट बॉल्स भी आ रही, मतलब दोनों चीज़ें इतनी कोई फिल्ड, इतनी कोई मतलब लोडेड लोडेड सी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। गाइस ब्रोकली, आपको तो पता होगा ज़्यादा लोग हैं नाइटमेयर होता है ब्रोकली, लेकिन वो हम ब्रोकली भी आज खाएंगे, ट्राई करेंगे, और फिश भी इसके अंदर आएगी। ओए होए होए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, चिकन और डम्बलिंग्स, नूडल्स, श्रिम्स, ओए होए होए, पीनट्स भी हैं, और नूडल्स और आ गए हैं, प्राचा जो था वो भी, ओए होए होए होए, मज़े का लग रहा है ये। चलो भाई अब ट्राई करते हैं इसको, काफ़ी सारी इसके अंदर हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। तो सबसे पहले हम मीट बॉल ट्राई करेंगे, और बहुत अच्छी तरह लाइक कुक्ड हो चुकी है ये। होय 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 होय, बहुत अलग सा फ्लेवर है, लाइक सॉस की वजह से ना थोड़ा एक लाइक खट्टा खट्टा सा, और एक हल्के से स्पाइस के साथ, मज़े का है। अब हम श्रिम्स पे आ चुके हैं, सही है, तो लेट्स ट्राई दिस। ओए होए 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 होए, ये सॉस बहुत मज़े का है। मेरा नाम उल्टा नाम लगा रहा था हमेशा, मैं मुझे बोल रही थी। दिस इज डम्बलिंग्स, ये एक तरह से इसके अंदर चिकन होती है, उस तरह होता है। लेट्स ट्राई दिस। ओके, ओए होए होए होए,
अरे हर चीज का एक अलग फ्लेवर आ रहा है, हालांकि कुक एक ही चीज में हुई है। हमारे टोफो भी आ गए हैं, तो टोफो को ट्राई करते हैं, देखते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें मेरे लिए नई नई हैं, बहुत मज़े का है। गाइस चिकन सॉसेज चेक करें, ओए होए होए, ये सॉस बहुत मज़े का है। बहुत मज़े का, मज़े का है, आई लाइक इट। भाई यहाँ पे चिकन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाई हम एक साथ ट्राई करते हैं। ओए होए होए भाई, क्या बात है। भाई ये इस तरह आपको यूं करके नूडल्स निकालने पड़ते हैं। ये गए और इसको हम ट्राई करते हैं, सब खुल गया गाइस। नूडल्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, मतलब मुझे असल जो स्पाइस का टेस्ट आया ना वो नूडल्स खा के आया। मोमोज और हमने इसमें सारी चीज़ें, टोफू सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं। अब हम आते हैं क्लियर की तरफ, लाइक क्लियर सूप है वो, और उसके अंदर भी नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो हम उस तरफ आ जाते हैं। ओए होए होए होए, ये देखें बस, निकालते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि थोड़ा मतलब माइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होगा इसके अंदर। मज़े का है, बहुत मज़े का है। ओए होए होए, भाई देखने में तो वैसे ये लगता है ना कि यार बहुत रॉ है और बहुत अजीब लग रहा होता है कि यार ये चीज़ किस तरह मतलब रेडी होगी, लेकिन मैं बताऊं आखिर में जब ये पूरे प्रोसीजर से गुजर जाता है तब भाई मतलब आखिर में ना सबसे बेहतरीन चीज़, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इतनी कोई मज़े के मुझे ये फ्लेवर्स मिले ना फर्स्ट टाइम। तो भाई यहाँ का ना एक्सपीरियंस मेरा, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किस तरह बताऊँ, मतलब बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस था। मैं खाने पे फोकस करता हूँ ज़्यादा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और ये सॉस के साथ तो भाई क्या बात है। पूरे कराची में आज तक इतने मज़े का चाइनीज़ फूड तो कभी नहीं खाया, और मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं आप डालते जाओ और मतलब उसमें से वो हॉट पॉट के अंदर से वो बन बन के बाहर आता रहता है। सोहो शेंग का आपको हॉट पॉट ज़रूर ट्राई करना है, आप फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, अकेले भी आएँ, जिसके साथ आपको आना है आएँ, क्योंकि ये चीज़ मस्ट ट्राई वाली चीज़ है। एडवेंचर एक तरह से, एक यूनिकनेस है इस पूरे फूड के अंदर, तो भाई आप लोग आएँ और ये चीज़ ट्राई करें, मज़ा आ गया भाई मुझे तो, बस क्या बताऊँ मैं। अब मैं खाने पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे तो बोला नहीं जा रहा ना, क्योंकि मैं ये सब देख के ना मैं भूल गया। सो गाइस फूड हेडक्वार्टर आज आया था सोहो शेंग, और यहाँ पर मैंने डिफरेंट हॉटपॉट्स ट्राई किए और मुझे बहुत मज़े का यहाँ का खाना लगा। लाइक मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई था एक चाइनीज़ फूड इस तरह का, तो भाई मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे और टेस्ट करके हमें ज़रूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको यहाँ का फूड कैसा लगा। मैं आपको कह सकता हूं कि आपको बहुत मजे का लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मजे का लगा। सो गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फूड हेडक्वार्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए जायके, एक नए फ्लेवर, एक नए रेस्टोरेंट पे। तब तक के लिए